खाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत टेस्टी बना दोस्तों, बहुत टेस्टी, बहुत ही सुंदर लग रहा है खाने में। जब आप बना है आप लोग भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए और खाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मम्मीज किचन में आप सबका स्वागत है। आज देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये एप्पल, पटल और पपीता और दूध, काजू किशमिश डाल के मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ ये मिठाई को। पहले मैं ये सबको छिलका उतार लेती हूँ, छिलका उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पपीता, एप्पल और पटल का छिलका उतार ली हूँ। अब इसको सबको मिक्सर में धके पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाकर फिर आप लोग को बताती हूँ। और एक बात दोस्तों, राखी है, राखी में आप घर में मिठाई बना के अपने भाई बहन को खिला सकते हैं, दोस्तों को खिला सकते हैं, कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको भी खिला सकते हैं। कम पैसा में बहुत अच्छा मिठाई बनेगा। ये तो बहुत हेल्दी है, पपीता भी हेल्दी है, एप्पल भी हेल्दी है, पटल भी हेल्दी है। ये सबसे मिठाई बना के घर में अगर खाए और खिलाए अपने बच्चों को तो कितना अच्छा है। बाहर से लाना भी नहीं पड़ेगा, कम पैसा में बहुत सारी मिठाई बन जाएंगे। देखिए अब इसको मिक्सर जार में पेस्ट करें। कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा मिक्सर में ज़्यादा बारीक हो जाने से और अच्छा होगा, इसलिए इसको मिक्सर में बारीक करेंगे हम। और ये कच्चे पपीते से बना रहे हैं। देखिए कैसे इसको काट के और मिक्सर में डाल के इसको बारीक करेंगे। दूध मेरा गर्म होने दीजिए, फिर डालेंगे। दूध थोड़ा फूट जाने दीजिए, फिर इसमें सब सामान डाल के बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये मेरा पपीता का पेस्ट है, ये एप्पल का पेस्ट है, ये पटल का पेस्ट है। अब इससे हम जा रहे हैं मिठाई बनाने। और देखिए पहले कढ़ाई चढ़ाएंगे, देख तो वहाँ सूज दिया है, कढ़ाई को चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे पहले दूध। इसमें हाफ किलो दूध लिए हैं, इसमें डालेंगे पहले दूध। दूध को होने देंगे। और दोस्तों देखिए, ये थोड़ा सा चावल का गूरा डालेंगे। और देखिए ये इससे सजाएंगे, काजू, नारियल और किशमिश से मिठाई को सजाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा प्यारी सी गुड़िया मुझे छोड़ के अपने मामा के घर चली जाएगी, उसका इंतज़ार रहेगा मेरा। मैं बहुत इससे प्यार करती हूँ, मेरी जान है, पूरे परिवार की जान है ये। ए मेरा दुकान ले लो, पा दो। ये देखिए दोस्तों, मेरा दूध गर्म हो रहा है, इसमें उबाल आने तक। देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे एक एक करके सामान जो पेस्ट बनाए हैं वो सब। ये देखिए मेरा एप्पल का पेस्ट है, ये मेरा पपीता का पेस्ट है, और ये मेरा पटल का पेस्ट है,
सब डालकर इसको पकाएंगे अच्छे से। और थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू भी इसमें डाल दे रहे हैं। और इसको अच्छे से पकने दे रहे हैं। पक जाने पर आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए मेरा मिठाई बनना स्टार्ट हो गया है। और हाँ दोस्तों, कम पैसे में अपने घर में बना के अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को खिला सकते हैं, अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी मिठाई होती है। इसे घर पर बनाए, ट्राई ज़रूर करें और आप लोग बना कर खाए। ये दोस्तों, अब मैं चावल के आटा डालने जा रही हूँ इसमें, और इसमें चीनी भी डालेंगे देखिए। और इसको दोस्तों इसको पकने दीजिए तब तक। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से पक रहा है, ये कितना अच्छा से ये पक रहा है। जब पूरा पक जाएगा तब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसको एक थाली में ढालेंगे। बहुत सॉफ्ट मिठाई होगा इसका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। बेसी मीठा भी नहीं बना रहे, हल्का मीठा बना रहे हैं। ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं इसको। इसको हमको बारी बारी से चलाते रहना है, नहीं तो सट जाएगा, अंदर में पकड़ लेगा। ऐसे हमको, और आपका इच्छा होगा तो आप कलर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी कलर नहीं है इसीलिए ऐसे ही बना रहे हैं। ये हो रहा है, थोड़ा सा और सूखेगा ये। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये बहुत हेल्दी भी होता है दोस्तों। घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि बच्चे बहुत मीठा पसंद करते हैं। तो हेल्दी चीज़ से क्यों नहीं अपने बच्चे को मिठाई बना कर खिलाएं। बच्चे खुश भी रहेंगे, अच्छे से खा भी लेंगे, टिफिन में भी दे सकते हैं इसको। दोस्तों इसको सूखने देंगे, ये और सूखेगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाने से। दोस्तों ये अब होने ही चला है, बस 5 मिनट में ये हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट और लगेंगे इसको। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई होता है, बहुत ही, आप लोग बनाइए ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। इतना हेल्दी मिठाई पटल एप्पल और पपीते से। आम नहीं था दोस्तों, नहीं तो आम भी डालते। 5 मिसाली सोचे थे कि मिठाई बनाएंगे, लेकिन उतना सामान अभी नहीं था, कोई बाज़ार से लाने वाला भी लोग नहीं था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए जो घर में था उसी से बनाए हैं।
हेलो दोस्तों, मिठाई तो आप लोग बहुत खाए होंगे मगर इस तरीके से नहीं खाए होंगे। इस तरह से बनाइए, बनाकर खाइए, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कैसा बना है। और बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, एक बार ज़रूर से ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को खिलाइए। अब रक्षाबंधन भी आ रहा है सामने, रक्षाबंधन आप लोग इस तरह से मिठाई घर में रात को बनाइए, सुबह में रक्षाबंधन में इस्तेमाल कीजिए। कम पैसे में बहुत सारी मिठाई बन जाएंगे। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया से भी कम खर्च हुआ है, 100 रुपया से भी कम खर्च में इतना सुंदर, इतना टेस्टी, इतना ज़्यादा मिठाई बनेगा। देखिए दोस्तों, अब ये मेरा कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये अब हो चुका है, अब पूरा तैयारी हो गया है। देखिए अब इसको थाली में ढालेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई में ढाल के ठंडा होने देंगे। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। ये देखिए देखिए दोस्तों, अब ये हो चुका है, अब इसको थाली में ढालेंगे। थाली में ढाल के आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरा हो चुका है, ये अब इसको थाली में ढालेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाने से के बाद इसको पीस बनाकर आप लोग को दिखा रहे हैं। ये अभी बहुत गर्म है, अब 1-1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दे रहा है ठंडा होने के लिए। एप्पल का है, देखिए कितना सुंदर, कितना सॉफ्ट मिठाई हुआ है। आप लोग भी इस तरह का बनाइए, इस तरह से और खाइए और देखिए कितना सुंदर है, कितना नरम, कितना मुलायम ये मिठाई है। मुंह में रखते ही भूल जाएगा। देखिए इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, बना के खाइए। एक तो आप मम्मी खा के दिखाइए, तो इसको देखने से लग रहा है कि ये पपीता, पटल और ये एप्पल का मिठाई है। आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, कम खर्चे में बहुत सारा मिठाई बन जाएंगे और बच्चे बड़े सब अच्छे से खाएंगे। ये देखिए, अगर मेरा देखिए मैं खा कर दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत टेस्टी रहा है दोस्तों, बहुत टेस्टी, बहुत ही सुंदर लग रहा है खाने में। रखते तो घुट गया पूरा, बहुत लाजवाब बना है। आप लोग भी इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए, खाइए। मेरा वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।